और यहाँ पर ना इतने ज्यादा चोर लोग हैं ना, क्या बोलूँ। हमारे यहाँ पर थोड़े से सेब के पेड़ पर सेब थी ना, वो भी लोगों ने सारे चुरा लिए। और हमारे यहाँ पर लकड़ियाँ थी जो कि पीछे काटी थी मम्मी पापा ने, मैंने आपको वो वाला व्लॉग भी दिखाया था। वो लकड़ियाँ जो हमने बना के रखी थी बाहर, वो भी लोगों ने चुरा ली। तो अगो हमारी चोरी क्यों करते हो, तो मतलब हद है ना। हम ठगे थे और लोगों ने ना यहाँ से हमारी लकड़ियाँ चुरा ली, देख सकते हैं हमारा घर। और तो इस वाले एप्पल के पेड़ पर मैं चढ़ूंगी, तो अभी ना मैंने यहाँ पर सीढ़ी भी लगा ली है ऊपर चढ़ने को। तब तक मम्मी ना सेब पर चढ़ी हुई है, और तब तक ना मैं एक सेब खा लेती हूँ। देखो काफी पका हुआ सेब है ये। और इस वाले पेड़ पर निकलना एक छोटी सी ककड़ी, जो कि पहाड़ी स्पेशल खीरा हमारा इस साल का पहली ककड़ी है ये। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मेरी व्लॉग। तो गाइस आज के व्लॉग की मैं शुरुआत कर रही हूँ। अभी ना सुबह के 11:30 बज चुके हैं और अभी अभी मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स अभी ना मेरी तैयारी हो गई है दरमन जाने की। तो अभी ना मैं घर से भी निकल चुकी हूँ और घर से ना मैं थोड़ा ऊपर आ गई हूँ, और थोड़ी थोड़ी ना धूप हो रही है, धूप में ना गर्मी लगती है, तो रेस्ट कर रहे हैं अभी हम। तो कुछ टाइम के बाद पहुंच जाएंगे, तो सफ़र में आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे सफ़र में आगे बढ़ती जाऊंगी, वैसे वैसे ही आपको रास्ते का व्यू मैं दिखाती जाऊंगी। तो अभी ना सफ़र में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं सामने के नज़ारे कुछ ऐसे हो रहे हैं, और अभी ना गजब की धूप भी लग चुकी है। और वहाँ पर देख सकते हैं गले वाली माता, जय माता दी। तो देख सकते हैं आज ना मौसम काफ़ी सुहावना है, और बीच बीच में ना बदल भी हैं, बादल भी हैं। तो फ्रेंड्स अभी ना हम दरमन में पहुंच चुके हैं, और दरमन में ना काफ़ी मतलब डर जैसा लगता है, क्योंकि हम यहाँ पर रहते नहीं है ना, तो मतलब चारों साइड घास ही घास हो जाता है, इस कारण से डर भी लगता है। और यहाँ पर ना जानवर का भी ज़्यादातर खतरा रहता है। तो देख सकते हैं ऊपर हमारा घर, और यहाँ पर ना इतने ज़्यादा चोर लोग हैं ना, क्या बोलूँ। हमारे यहाँ पर थोड़े से सेब के पेड़ पर सेब थी ना, वो भी लोगों ने सारे चुरा लिए। और हमारे यहाँ पर लकड़ियाँ थी जो कि पीछे काटी थी मम्मी पापा ने, मैंने आपको वो वाला व्लॉग भी दिखाया था। वो लकड़ियाँ जो हमने बना के रखी थी बाहर, वो भी लोगों ने चुरा ली। तो अगर यहाँ के लोग अगर मेरा व्लॉग देखेंगे ना ऊपर दरमन वाले, तो थोड़ी शर्म करो लोगों, हमारी चोरी क्यों करते हो। तो मतलब हद है ना, हम अगर यहाँ पर नहीं रहते तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि हमारे यहाँ पर चोरी होगी। मतलब हर एक चीज़ घास से लेकर लकड़ी तक, मतलब इनकी सोच देखना कितनी गंदी है। मतलब चोरी की को हद होती है, हमने ज़िंदगी में कभी किसी की चोरी नहीं की है। चोरी चोरी करने वाले लोगों, चोरी करके कभी पूरी नहीं होगी, आपको देख लेना। तो अभी ना मैं आपको सेब का पेड़ दिखाऊंगी, सेब भी ना पूरे सेब चुरा लिए हैं, लगभग कोई 10-15 सेब भी नहीं होंगे, मुश्किल से 5-10 से निकलेंगे तो निकलेंगे, नहीं तो वो भी नहीं रखे। और यहाँ पर ना ग्लास का भी एक पेड़ था, मतलब यहाँ पर ना और मतलब सब कुछ ही बनता है, पर हम नहीं रहते हैं इस कारण से यहाँ पर सब कुछ चोर लेते हैं, चोर बड़े गंदे लोग हैं यहाँ के। अभी ना मैं अपने घर के बाहर भी आ गई हूँ, देख सकते हैं हम यहाँ पर नहीं रहते हैं, और हमारे घर के आगे ना घास ही घास हो गया। और यहाँ पर देख सकते हैं लोगों ने ना हमारी लकड़ियाँ यहाँ से चुराई हैं। देखो यहाँ पर हमने ना ऐसे सा कुछ बनाया था, सारी लकड़ियाँ हमने काट के यहाँ पर इकट्ठा की थी, और लोगों ने ना यहाँ से हमारी लकड़ियाँ चुरा ली, देख सकते हैं हमारा घर। और यहाँ पर ना अभी धूप लग रही थी, तो जो ये आपको वृक्ष का पेड़ दिखाई दे रहा है ना, इसके काफी गजब की छावा है। और यहाँ से ना काफी गजब का व्यू दिखाई देता है। और वहां पर देख सकते हैं ये वाला है सेब का पेड़, जिस पर कि सेब लोगों ने चुरा लिए। देखो एक यहाँ पर है सेब, मतलब जब मैं पहले आई थी ना, मैंने शायद उस दिन भी व्लॉग बनाया था, मैं भाभी मम्मी आए थे उस दिन व्लॉग बनाया था, उस दिन मतलब सेब ना टूट रहे थे वैसे थे। और आज देख सकते हैं सेब के पेड़ पर ना एक यहाँ पर सेब दिख रहा है, और एक ऊपर दिखाई दे रहा है बस, और दिखाई दे रहा है कहीं नहीं, क्योंकि सेब ही लोगों ने चुरा के ले लिए। और इस अखरोट के पेड़ पर ना काफ़ी गजब के अखरोट लगे हुए हैं, मतलब उतने अभी अच्छे नहीं है, पर ऐसे बन गए हैं तो टेस्टी बन गया। मैंने दो अखरोट अभी इस पे खाए, और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी गजब के फूल लगे हुए हैं, जो कि घास के फूल होते हैं ये।
और देख सकते हैं मौसम भी अच्छा है, पर बीच बीच में ना बादल भी हैं। तो गाइस अभी ना मैंने सीढ़ी भी लगा ली है इस पेड़ पर चढ़ने के लिए। तो आपको पता है मैं पेड़ पर तो नहीं चढ़ पाती हूँ, पर इस वाले सेब के पेड़ पर ना जब मैं 9th में पढ़ती थी ना तब भी मैं चढ़ती थी, तब मतलब इस पे ना काफ़ी ज़्यादा सेब बनते थे, तो तब भी मैं चढ़ती थी इस सेब पे। और आज ना मैं काफ़ी टाइम के बाद चढ़ती हूँ, जब मैं पहले चढ़ती थी ना वहाँ से मैं ऊपर चढ़ जाती थी, पर आज ना मेरे से नीचे से नीचे चढ़ा जा रहा है। तो मैंने सोचा मैं सीढ़ी लगा कर ट्राई करती हूँ, तब मैं ऊपर चढ़ती हूँ, अगर सेब लाना है तो लाऊँगी, नहीं तो नहीं। तो गाइस पेड़ पर मैं भी चढ़ी थी और मेरी मम्मी भी चढ़ी थी, मम्मी ना भी उतार रही है और मैं ना उतर गई हूँ, क्योंकि मम्मी बोलने लगी तो गिर जाएगी, तो मम्मी अब उतार रही है। देख सकते हैं मेरी मम्मी ऊपर चढ़ी हुई है पेड़ के ऊपर। तब तक मम्मी ना सेब पर चढ़ी हुई है और तब तक ना मैं एक सेब खा लेती हूँ, देखो काफी पका हुआ सेब है ये, खा लेती हूँ। मम्मी ना उतार ही रही है और मैं लगी हुई हूँ खाने। और देख सकते हैं मम्मी ना पेड़ को हिला रही है, क्योंकि सेब ना नीचे गिर कर आएगा, इसलिए अभी नहीं गिरा, अभी दो, अभी गिर गया, गिर गया, गिर गया, गिर गया, इधर पड़ा, हाँ गिर गया, अभी रुको इधर देखती हूँ मैं। तो अभी ना मम्मी ने ऊपर से लाया है इस सेब को, देखना पकड़ के दो मुझे इधर, इधर दो, मैं पकड़ती हूँ इसको, ये ना इसके साथ लकड़ी के साथ, देखो ऊपर से लाया मम्मी ने, अभी ना मम्मी लगी हुई है इसको तोड़ने, देखो और इस वाले पेड़ पर निकलना एक छोटी सी ककड़ी, जो कि पहाड़ी स्पेशल खीरा हमारा इस साल का पहली ककड़ी है ये द्रमन के खेतों में, और हमारे घर में ना अभी खीरे नहीं बने हैं, और यहाँ पर पहाड़ी है पर फिर भी खीरे बन गए, छोटा सा खीरा। मम्मी अभी दूसरे पेड़ सेब के पेड़ पर चढ़ गई है, और जहाँ जहाँ पर चोर नहीं पहुँच पाए हैं ना उन्होंने वहीं पर रखे हैं, बाकी वाले नज़दीक नज़दीक वाले ना चोरों ने सारे अपने घर के लिए ले लिए हैं और खा लिए हैं। और देख सकते हैं दो दो टहनियों पर, हाँ इधर आ गए, टहनियों पर सेब दिखाई दे रहे हैं, पर यहाँ पर ना मम्मी से पहुँचा ही नहीं जा रहा है। बस अभी ना सारे सेब भी उतार दिए हैं, देख सकते हैं ऊपर से गिरे हैं और जख्मी हो गए हैं सेब, तो ले लेते हैं अब इनको घर, थोड़े से ही ऐसे कोई है 10-15 सेब। इतने एक सेब लाए हैं हमने पेड़ से, फ्रेंड्स अभी ना यहाँ से धूप भी चल गई है, तो पर वाली साइड तो है ये भी, पर यहाँ से ना धूप भी जा चुकी है, और यहाँ पर ना जिसे ठंड महसूस होती है, मतलब ठंड नहीं मतलब ठंडा मौसम है। गाइस अभी ना मम्मी जी जा रही है इस वाले गिलास से गिलास को उतारने, तो अभी ना शाम का टाइम हो गया है और अभी ना शाम के 5 बज चुके हैं, और देख सकते हैं यहाँ से ना पूरी जगह जो धूप भी जा चुकी है, और वही सिर से भी धूप भी नहीं गई है, तो यहाँ पर ना नाशपाती बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, पर साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं,
नाशपति के पेड़ पर तो काफ़ी नाशपति लगे हुए हैं, देख सकते हैं अबीना दिख रहे हैं थोड़े थोड़े, मम्मी जी तोड़ रही हैं। तो अबीना लेट भी हो गया है, अभी घर भी पहुंचना है और घर में भी ना काफ़ी काम है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो वो करते हैं यहीं पर क्लोज। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।